नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज आपको एक ऐसे ब्राउज़र के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आपने दोस्तों देखा होगा, ये गूगल और भी जो काफ़ी सारे ब्राउज़र्स होते हैं, ये आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। आप कितनी बार कितनी वेबसाइट्स पर गए, आप कहाँ हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती हैं। दोस्तों, ऐसे में जो एप्लीकेशन हम लेकर आए हैं उसका नाम है डकडकगो। आप इसको जो है आपके ऐप स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहता क्या है पहले हम आपको ये बताएंगे और फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या अंतर है। आप यहाँ चलिए दोस्तों और हम सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में चलने के बाद आप प्राइवेसी में देख रहे होंगे, ग्लोबल प्राइवेसी कंट्रोल GPC को इनेबल किया हुआ है इसने। और दोस्तों, इसकी खास बात जो है आपको यहाँ देखने मिलेगी, अगर आप अबाउट डकडकगो पर जाएंगे तो ये देखिए प्राइवेसी सिंप्लीफाइड की हुई है और ये साफ साफ बोल रहे हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में। अगर आप इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो वी डोंट कलेक्ट और शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये ना कलेक्ट करते हैं और जब कलेक्ट ही नहीं करेंगे तो शेयर कहाँ से करेंगे इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ है ये ऐड ट्रैकर को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है और वाकई आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को ये जो है स्टोर अपने पास नहीं करता है। देखिए, हम आपको एक अंतर बताते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई वेबसाइट है, हम हमारी ही वेबसाइट आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देते हैं। आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ टेक्नोलॉजी विद विवेक, ये यहाँ पर जो वेबसाइट आएगा दोस्तों, आप पहले उसको यहाँ देखिए, फिर मैं आपको उसको गूगल क्रोम पर ले जाके दिखाऊंगा, दोनों में आपको अंतर समझ आएगा। देखिए, ये वेबसाइट आ गई है। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे खुलने वाला जो एप्लीकेशन, ये जो पेज है, अब इसके एड्स को ट्रैक करके ये सारे एड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर आप ये सारा कंटेंट जो देख पा रहे हैं, यहाँ आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी कंटेंट पर, किसी भी पेज पर आप क्लिक कीजिए, ये देखिए आप आसानी के साथ यहाँ इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो आपको देखनी है ब्लॉग के ऊपर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ पर एक भी जो गूगल से लगाया गया ऐड है वो यहाँ पर आपको शो नहीं होगा। ये इतना अच्छा एप्लीकेशन है। मैं आपको अब चल के क्रोम पर दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्नोलॉजी विद विवेक, हम जैसे ही यहाँ टैप करेंगे और जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे, अब देखिए दोस्तों ये क्रोम पर ओपन होगा और जैसे ही ये ओपन होगा वैसे ही जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐड देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ देखिए, अब धीरे धीरे हम यहाँ इसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं और आप जिस भी टेलीग्राम, जैसे कि ये देखिए टेलीग्राम पर क्विज कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट क्विज इन टेलीग्राम। अब आप देखिए यहाँ जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपको ऊपर जो ऐड दिख रहा है पॉपअप में, ये सेंटर में आपको ऐड दिख रहा होगा, इसी तरीके से ये नीचे आपको ऐड दिख रहा होगा। आप और क्लिक कीजिए, ये देखिए ये आपको ये जो ऐड दिख रहे हैं, ये इस तरीके से आपको डकडकगो में जो है देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और भी एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, वहाँ सब जगह आपको ऐड देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन डकडकगो एक ऐसा ऐप है, ऐसा ब्राउज़र है जो आपको ऐड नहीं देता है, हमेशा ये ट्रैक करके बंद कर देता है। और आप ऊपर से जब फिनिश करें यहाँ, तो आप क्लियर ऑल टैप्स एंड डेटा जैसे ही करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से इसने आपकी जो है सारी हिस्ट्री को हटा दिया है, कोई भी ट्रैकर अब यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए ये दावा करता है कि हम ना तो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और ना उसको शेयर करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये ऐप पसंद आया होगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।